हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3, क्लास 9, नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वाई आंसर मेक सेंस। मींस हमें इसको चेंज करना है पी बाई क्यू फॉर्म। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले से ही ऑलरेडी कर चुके। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। बेसिकली देखा जाए 99 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 9 बार। अब कितने नंबर में बार? 1 नंबर पे। तो 10 बार एक डिजिट कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे 10। तो 10 का मल्टीप्लाई है बोथ साइड का, सो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहां पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब यहां पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन वन। सो नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले लिख लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और फिर लिख लेंगे अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड द इक्वेशन फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 0.999। जब इसको माइनस करेंगे तो 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 0, तो यहाँ 9 और ये पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए 9x इज इक्वल टू 9, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9/9 मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये देखिए x की वैल्यू क्या निकल आई 1। अब हम इस आंसर को सेंसिबल इसलिए बोल सकते हैं कि 0.9999 अप टू इनफिनिटी इज वेरी क्लोज टू 1। ओके, इसलिए हम इस आंसर को सेंसिबल बोल सकते हैं, क्योंकि 0.9999 अप टू इनफिनिटी इज वेरी क्लोज टू 1। इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ repeating blocks in decimal expansion of 1/7. So now we have to expand the 1/17 into decimal form. Okay? And count the digit or total blocks. कि कितनी digit बाद ही repeat होगा। देखिए 1/17 का divide जो है बहुत लंबा जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे solve में कि 1/17, तो अब क्या करेंगे? 17 का divide करेंगे 1 में। Okay? अब सबसे पहले तो ये जो 1 डिजिट है बहुत छोटी है 7 से, यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ से 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगेन ये नंबर छोटा है 17 से, तो अगेन फिर से 0 लगा देंगे और यहाँ से 0 लगा देंगे। अब 17 की टेबल लेंगे जो 100 से ज़्यादा ना हो, तो 17 × 5 = 85 माइनस करेंगे इसको। Then how much? Minus करेंगे तो आएगा 15. Okay? Again अब क्या कर सकते हैं? 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 15 जो है वो small है 17. अब 17 की table लेंगे जो 150 से ज़्यादा ना हो, तो 17 × 8 जाए 136. Okay? Again minus करेंगे तो कितना आएगा? 14. ओके, अगेन यहाँ पे एक 0 लिखेंगे तो अगेन 17 × 136। अगेन क्या करेंगे इधर पे 4।
अगेन एक जीरो लगाएंगे, ओके तो 17 टू जा कितना आ जाएगा ये 34, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, तो अब ये यहाँ से चलता चला जाएगा, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, 1/17 इज इक्वल टू 0.05882 ओके 94117 एंड 647, ये यहाँ इसके बाद आपका जो डेसिमल है वो रिपीट होने लगे, यानी इतने जो ब्लॉक्स हैं एक ब्लॉक्स में आपके इतने नंबर आएंगे, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ब्लॉक्स में इतनी डिजिट होगी 16, द रिपीटिंग सो द रिपीटिंग The repeating blocks has 16 digit. Okay, तो ये आपका आंसर है. Okay. Now we are start question number 6. Question number 6 is in a rational number p by q. What should be property of Q so that we get terminating decimal expansions? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि P by Q में Q की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो हमारा डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. So let's divide. Let's divide 1 to form 1 to bit. So, देखिए 1 by 2 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 by 2 की वैल्यू रहती है 0.5, 1 by 3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी इधर भी 0.33 एंड सो ऑन, 1.4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25, 1.5 इज इक्वल टू 0.2, 1/6 इज इक्वल टू 0.166 एंड सो ऑन, एंड 1/7 इज इक्वल टू 0.142 and 857 and so on, and 1/8 is equal to 0.125. तो देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिए, जब इन फ्रैक्शन को या पी बाई क्यू फॉर्म को जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कुछ स्टेप्स आएंगे. तो देखिए यहाँ पे 1/2 जो है ये आपका टर्मिनेटिंग है, 1/4 टर्मिनेटिंग है, 1/8 टर्मिनेटिंग है, मींस जो 2 वाले फैक्टर है 2, 4, 8, तो 2 पे 1 की पावर है तो 0.5, जब 2 पे 2 की पावर है तो 0.25, और जब 2 पे 3 की पावर है 0.125, मींस ऐसे नंबर जो 2 की पावर में हो वो टर्मिनेटिंग होंगे. और देखिए साथ में 5 का क्या हो जाएगा 0.5, ऐसे डेसिमल जो 2 एंड 5 के पावर है वो सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे. सो नाउ वी कैन सी, सो वी कैन सी क्यू शुड बी आइदर 2 or 5 or its power or
its power to terminating, to terminating, to terminating decimal expansion, decimal expansion. Okay, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो जो 2 और 5 की पावर में होंगे वो कैसे होंगे, टर्म में होंगे. ओके, इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है.